चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है जहां हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगाई फटकार। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। 29 मई को कांग्रेस की होने वाली फतेहाबाद में रैली को लेकर पहले ही पोस्टर विवाद शुरू हो गया है। यह विवाद नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा सोशल मीडिया में डाले गए रैली पोस्टर के बाद शुरू हुआ, जिसके बाद राज्यसभा के सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी रैली का पोस्टर बना के ट्वीट कर दिया। कुछ ही देर में किरण चौधरी ने दीपेंद्र हुड्डा से ट्वीट कर कड़वा सवाल पूछ डाला। उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्षों की कोई जरूरत नहीं है। वहीं किरण चौधरी के ट्वीट को लेकर प्रभारी विवेक बंसल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मेरे ध्यान में मामला आया है, मैं इस पर जरूर संज्ञान लूंगा। ऐसा क्यों हुआ, हम लोग इसकी व्यक्तिगत जानकारी ले रहे हैं, यदि आगे से ऐसा हुआ तो कार्रवाई होगी। निकाय चुनाव को लेकर विवेक बंसल ने कहा कि एक दो दिन में फैसला हो जाएगा, हम लोग सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के नामों की घोषणा हाईकमान करेंगे और जल्द घोषणा की जाएगी। बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।